आ गए वो। पापा आप, ये सब क्या है पापा? क्या बोल रहे हैं पापा यार? कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं मैंने किया भाई, मैंने ठीक किया। दोस्तों मैं रिस्कान, दोस्तों आज मेरे साथ यहाँ पे जो बैठे हुए हैं दोस्तों, आप देख रहे हो एक लगभग 55-60 साल के एक अंकल हैं और 22 साल आपके एज है, 22 साल इनका एज है और ये लोग आज शादी करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब दोस्तों क्या ऐसा मुसीबत पड़ गया है जो? सर 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 कोई शादी वादी नहीं किया हमने, क्या शादी वादी नहीं किया कोई शादी नहीं की है। तो क्या है ये सब बताइए? ये देखिए ऐसा है कि मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैं कई दिनों से घर बैठा हूँ और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहने लगी है। मेरा एक बेटा है, वो शायद इससे इसकी मोहब्बत की कोई बात होगी, आपस में कोई बातचीत करते होंगे पर बोलता कम है, तो मैंने कहा इनसे पता किया जाए कि इसके मन में क्या बात है, तो वो बता नहीं रहा था, तो मैं कहा एक बार ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि उसके मन की कोई बात निकल के आ जाए। तो मैंने इससे कहा कि मैं कुछ चलो एक ऐसा ड्रामा खेलते हैं जिससे कि लोग भी खुश हैं, इनकी बात का भी पता लग जाएगा और उसके बाद हमारी बात भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों अंकल मुझसे मिले और बोले कि मतलब कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बोले चलिए करते हैं फिर, जब आपका ऐसा इच्छा आपका ऐसा चाहत है कि तो ठीक है किया जाए। कब से आप लोग के मन में ये चीज़ है और ये चीज़ अंकल को पता कैसे चला? हम लोग बचपन से एक साथ खेले हैं कूदे हैं। अच्छा, तो कभी ना उसने मुझे नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना मैंने कभी उसे बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मैंने अंकल से थोड़ी गोली मिली थी तो मैंने अंकल से डिस्कस किया कि मैंने कहा मतलब अंकल को आप बता दी उसको नहीं बताई, ये गलत है ना? उसको भी तो पता चले ना कि वो मुझे कितना प्यार कर रहा है कि मैं उसको कितना प्यार करती हूँ। अच्छा, इसलिए मैंने अंकल से डिस्कस किया, उनसे डिस्कस नहीं किया, आशीष से मैंने डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैंने अंकल से बताया। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा उसके साथ कुछ करते हैं, ड्रामा करते हैं, थोड़ा मजा आ लेते हैं, उससे क्या रिएक्शन है उसका। बस ठीक है, मतलब मोटा मोटी अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे चीज़ें कुछ है सीरियस कंडीशन में, मतलब बेटा के ऊपर ही कुछ डालने वाले। एग्जैक्टली हम चाहते थे कि उसको कुछ सबक मिले और पता लगे कि उसके मन में क्या बात है। आई जस्ट वांटेड टू टीच हिम अ लेसन फॉर दिस, कि मैं हम शादी करेंगे शायद उसको पता लगेगा कि ये क्या हुआ, तो हो सकता है उसके मन की बात बाहर निकल जाए। आई जस्ट वांटेड टू गेट समथिंग फ्रॉम हिज माइंड, व्हाट इज इन हिज माइंड। ठीक है, क्लियर किया जाएगा। और अगर सच में उसके दिल में आपके लिए कुछ है और आपके दिल में तो है, तो आपने तो जाहिर कर ही दिया पूरी दुनिया के सामने। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाला बात यह है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि उससे मतलब कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं जिसको पसंद करता हूँ मंद मंद में और उसकी शादी हो रखी है, और शादी किसी और से नहीं मेरे पापा से ही हो रखी है। तो भाई अब क्या चीज़ निकलेगा, क्या ऐसा चीज़ बनेगा, वो तो भाई देखने के बाद ही पता चलेगा। एक काम कीजिए, आप उसको फ़ोन करके यहाँ पे बुला लीजिए, इनकेस अगर वो यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे होगा वो अभी? ऑफिस में होंगे। अच्छा, ऑफिस में ही। हाँ। काम वाम उनका भी अभी चल रहा है ना। ठीक है, एक बार फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके यहाँ पे बुलाइए, और उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं बताऊँगा थोड़ा सा, एक नहीं तो मिर्च मसाला लगा के थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन किया। लगाइए, पहले फ़ोन लगाइए। हेलो, आशीष कहाँ है तू? ऑफिस। आप मतलब तुम मुझसे मिल सकते हो अभी? अरे कुछ ज़रूरी काम था, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना था, बहुत अच्छा सरप्राइज, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। तो तुम आओगे? तुम एक काम करो, सर से बात करो और जल्दी आओ, बहुत इमरजेंसी है वैसे तो। मैं आपको एक लोकेशन भेजती हूँ तुम्हें, ठीक है? वहीं आना है, ठीक है? ठीक है, ओके, ठीक है। मतलब भाई बुला रही है तो आएगी, जाहिर सी बात है, चाहे वो कहीं पे भी हो, अगर मन में कुछ बात है तो आज तो खटकने वाला है, आने दीजिए। और जैसे जैसे मैं बस बताता जाऊँ, बस वो चीज़ थोड़ा सा करना है, ठीक है? मतलब आइडिया इन लोग का ही था, और मिर्च मसाला थोड़ा सा तड़का जो होता है ना, वो अपने तरफ से हम लगाए हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा निखार के आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जो भी चीज़ होगा जिस तरीके से भी होगा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अरे ज्योति, ये सब क्या है? क्या है ये सब? क्या है यार,
फूल माला और ये सब हाथ में छुड़े, ये सब क्यों? सब बताऊंगी मैं। क्या ये अजीब हरकत है? तू बैठ तो पहले, इसलिए मैंने बुलाया तुझे, बात करनी थी मुझे तुझसे। बात करने के लिए तुमने मुझे धूप में बुलाया यहाँ पे पार्क में मिलने के लिए? धूप में तो मैं भी बैठी हूँ। पानी पियो। बताओ ऐसी क्या बात थी जो तुम्हें मुझे जॉब से यहाँ पे बुलाया? सब बताऊंगी। पता मैं झूठ बोल के आया हूँ जॉब पे? सब बता रही हूँ मैं तुम्हें बात। मुझे बात करनी थी तुमसे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था कॉल करके। यार ऐसी कौन सी बात है मतलब कि यहाँ पे हमें करनी है? हम बाहर भी तो ये सब बातें कर सकते थे, कॉल पे कर सकते थे। कॉल पे बताने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें क्या जरूरत है तो मैं झूठ बोल के आया ऑफिस से। कॉल पे बात करने वाली चीज होती तो मैं तुम्हें बताती ना। बताओ ना क्या बात है। मेरी लाइफ का आज ना बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ बिल्कुल, इसमें नई बात क्या है? तुम मुझे बचपन से जानते हो, बचपन से खेले हैं, कूदे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे, बैठे उठे हर चीज़ है। और ये भी है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? तो मैंने इसलिए बुलाया था कि तू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो मैं सोच रही थी तुझसे, जब मैंने इतना अच्छा डिसीज़न लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा मैंने, तो इसलिए मैंने सोचा मैं तुझसे बताऊँ कि तुझे पता है कि मैं कोई भी बात करती हूँ। आज तेरा कोई बर्थडे नहीं है, आज मेरा ही बर्थडे नहीं है, तेरी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है मतलब जो मुझे ना पता हो, कोई स्पेशल डे, तो ऐसा क्या है मतलब तू क्या कहना क्या चाहती है पता? कहने का बात कर रही है तू? मैं सब बताती हूँ, इतना बुरी एक्शन मत दो, मैं सब बता रही हूँ। मतलब मेरा ये कहना है कि तू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, तू मुझे जानता है। मैंने इसलिए बुलाया था तुम्हें कि कभी भी मैंने कोई भी बात करी हो, कहीं पे भी जाना हो, मुझे घूमना हो फिरना, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, किसी से भी मिलती हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हें कॉल करके बताती हूँ, पूछती हूँ, ठीक है। लेकिन आज मेरी लाइफ का इतना अच्छा स्पेशल डे था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें बता के चलूँ। तो इसलिए मैंने सोचा स्पेशल डे मेरे लिए बहुत अच्छा डे, इसलिए मैंने सोचा आपको तुझे बता दूँ। चलो ठीक है बताओ। बताना था मुझे कि यार बोलो तुम, एक ही चीज़ को बार बार बोली जा रही तुम बता नहीं रहे, तुम यहाँ मजाक बनाने मतलब मजाक कर रही हो मेरे साथ कोई ऐसा? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या बोलना चाहती हो? बोलो ना, साफ साफ बोलो यार, बोलना क्या चाहती हो तुम? बस मैं थोड़ा सा इसलिए परेशान हो रखी हूँ कि मेरे घर वाले क्या रिएक्शन देंगे। यार घर वालों की मैं संभाल लूँगा, तुम ये बताओ कि चल क्या रहा है, मतलब कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ हिंट दो, क्या मतलब, साफ साफ बोलो यार। मैंने शादी कर ली। ये बात सुनाने के लिए तुमने मुझे पार्क में बुलाया? मजाक चल रहा है यार, पागल हो तुम, मतलब कुछ भी? अरे तुम बैठो, लेके आया मैं मतलब ये सुनने के लिए आया यहाँ पे, तुम बैठो तो मतलब कुछ भी बैठो तो तुम क्या बैठो? यार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ कि मैंने शादी कर ली, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला, मतलब मैं ही मिला था। अरे तुम बैठो तो। मुझे यार काम है। अरे तुम बैठो पहले। मजाक सुनने के लिए नहीं आया मैं यहाँ पे। मुझे लगा कोई सीरियस मैटर है, कुछ कोई बात होगी। मैं बताती हूँ, सब बता रही हूँ तुम्हें। मैंने बताया तो कि मैंने शादी कर ली है। शादी कर ली है और तुम अब बता रही हो मुझे? इससे पहले ये सब बातें कहाँ थी? तुमने मुझे शेयर नहीं की। शादी तुमने ऐसी कर ली मतलब ना मैं था तुम्हारी शादी में, ना तो कोई, तुमने मुझे बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं, डिस्कस ही नहीं किया तुमने कुछ, मतलब शादी कर ली तो ये क्या है मतलब? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, तुम्हारी शादी होगी मैं नहीं आऊँगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा यहाँ तक की, कैसा मजाक है? मजाक नहीं है ये, मैंने सच में इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि भाई तुम मेरा थोड़ा सपोर्ट कर दोगे, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया कि तू मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है, तो तू थोड़ा सा तुम मेरा सपोर्ट कर दो बस। क्या बात है, तू बता मतलब क्या सपोर्ट चाहती है तू? तेरे फैमिली वालों को नहीं पता ये सब? नहीं। कौन है वो? बुलाती हूँ। A few moments later. आ गए वो। पापा आप ये सब क्या है पापा? क्यों क्या बोल रहा है? पापा से शादी कर ली। क्या क्या ही चल रहा है ये? कुछ नहीं चल रहा, तुम तो परवाह नहीं करते घर में।
तुम तो परवाह करते नहीं तो मैंने शादी कर ली, क्या बुरा किया? अपनी पोती की उम्र से आपने शादी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता आज के जमाने में। तुम तो मेरी परवाह करते नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो के तुमने मेरे पापा से शादी कर ली, तो मुझे तो घर में रहने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। मैंने तुम्हें, मुझे तो किसी को रखना है अपने साथ। यार आप इस उम्र में शादी करोगे? क्या हुआ, इस उम्र में शादी नहीं कर सकते क्या? यार ये क्या बकवास है? कोई बकवास नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे आपके साथ नहीं रहना। नहीं, 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 तुम पापा कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? रुको ना, नहीं रुको ना, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या सुनो, बताओ क्या हुआ, मैंने क्या बुरा किया है? जब तुम यहाँ घर में रहते हो, तुम घर में रहते हो ना, मेरी परवाह करते हो ना, खाने का ना लेने का ना देने का। आपको सब कुछ देते हैं आप, कहाँ देते हो? कुछ भी नहीं देते। अरे मैं अकेला रहता हूँ सारा दिन, खाली घर में बैठा रहता हूँ। पापा मैं जॉब करता हूँ। हाँ तो मैं, अब मेरे पास जॉब के लिए मना नहीं कर रहा, जॉब करो, और रात को आने के बाद भी कोई बात करने वाला नहीं होता। मैं सारा दिन अकेला बैठा रहता हूँ, मैं जब से रिटायर हुआ घर में बैठे हो। तो मुझे बताओ ना, मैं कोई फ्रेंड आप? यार क्या यार, कोई बात नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरे लोग क्या बोलेंगे आपको, ये नहीं पता? कुछ नहीं बोलेंगे, लोग कहेंगे बहुत अच्छा काम किया आपने। ये क्या बोल रहे हो पापा आप? आपको पता मजाक चल रहा है यहाँ पे? मजाक नहीं चल रहा, बिल्कुल सीरियस मैटर है ये, इज अ सीरियस मैटर। यार तुमसे तो यही उम्मीद ही नहीं थी मेरे को। और पापा आपका तो उम्र के साथ साथ दिमाग भी चला गया यार। काहे का दिमाग चला? तुम कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो सही यार, क्या क्या बुराई हो गई यार? रुको रुको रुको, बैठो। पापा हमने मेरी दोस्त से शादी कर ली यार। अरे क्या हुआ, दोस्त तो यार मेरी, तो एक ही घर में, एक ही घर में रहेंगे, तुम भी बात करो मैं भी करूंगा, क्या बुराई है? आप क्या बोल रहे हो पापा? यार कुछ बुराई है, कुछ बुरा नहीं मैंने किया भाई, मैंने ठीक किया। क्या हो गया भाई? पापा प्यार करता हूँ उसे। तूने कभी बताया? मुझे क्या पता, तुमने मुझे बताया कभी? चित बताने की होती क्या यार? क्यों नहीं, कभी समझ नहीं आएगा यार कुछ। तो तुम मुझे बताओगे तब तो मुझे पता चलेगा। मुझे भी नहीं कभी बताया, मुझे क्या पता, मुझे को पता था? बताओ, ये देखो कौन आया, देखो जरा, देखो कौन आया। जिंदगी खराब हो गई मेरी, और क्या हो गया? पूछो क्या हुआ, हमने क्या गलत कर दिया भाई? शादी कर ली मेरे बाप ने, अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं किया उन्होंने। तुमने कभी बताया? मेरी फ्रेंड से शादी कर ली उन्होंने। मैं इतने दिन से घर में रहा, तुमने कभी बात करी, कभी बताया? मैं भी तो अकेला रहता हूँ। पापा अकेले रहते तो मेरी दोस्त से शादी कर लोगे आप? मुझे क्या पता है तुम्हारी दोस्त है, तुमने कभी जिक्र किया ही तुम्हारी दोस्त है? कभी नहीं। तुम्हें तो पता है पापा, तुमने पापा से शादी कर ली। भाई पार्क है, पार्क में लोग देख रहे हैं इधर उधर, अच्छा नहीं ना है? जिंदगी खराब हो गई भाई। मतलब दोस्त से शादी, मतलब दोस्ती तो थी। प्यार करता था यार मैं इनसे, इन्होंने मेरे को कभी नहीं बताया। मुझे भी नहीं यार, मैं आपको बताऊंगा, आपको कभी समझ नहीं आएगा ये सब। क्या पता लगता है भैया, मैं कैसे समझूंगी जब तुम मुझे बताओगे नहीं? तो तुमने मुझे बताया तुमने पापा से शादी कर ली हो, तभी तो बुलाया था मैंने यहाँ पे तुम्हें। मुझे भी इसने कभी बताया नहीं, कभी जिक्र भी नहीं किया, मुझे कभी समझ भी नहीं आएगी ऐसी बात। पापा हंस रहे हो यार, ये क्या चल रहा है, ड्रामा है क्या कोई? भाई भाई देखो, पार्क में ये सब ना हरकत मत किया करो, गार्ड आके भगा उगा देगा फालतू का, समझे ना? क्या चल रहा है, क्यों हंस रहे हो? भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे देखो पहले, वहाँ में देखो। हाँ क्या चल रहा है पापा? ये आपको आपको बुलाने के लिए ही, बताने के लिए ही कैमरा लगवाया। भाई जो मन में रखे थे ये आज तक बोले थे कि आप इसे प्यार करते हो, कभी तुमने बताया, कभी जिक्र किया मुझसे? मुझे डर लगता था कि ये मुझे छोड़ देगी या फिर इसे बुरा लग जाएगा तो अपने दोस्त को खो दूंगा। मुझे बताते फिर मैं तुम्हारी बात करवा देता। ये सच्चाई निकालने के लिए यहाँ पे ये लोग, इसीलिए हमने एक मजाक किया। बता दूं मेरा नाम दानिश है और ऐसा आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, ये बस नॉर्मल से एक मजाक है। आपका वो रिएक्शन देखना था, आपको वो चीज़ रियलाइज दिलवाना था, अगर आप इसे प्यार करते हो तो भाई बताना चाहिए ना। हाँ तो ये सब मजाक था।